हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ चुके हैं, हमने एडिशन ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। एडिशन ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया, इसके साथ ही हमने जो वॉटर के साथ बोट की जो भी वेलोसिटी आई, रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी हमने देख ली थी। अब एक केस जो मैंने कल करवाया वो करवाया था रेन का, उसमें मैंने नेगेटिव ले लिया था। तो एक बच्चे का डाउट था कि नेगेटिव क्यों लिया। अब देखो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात लिख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, बी फ्रॉम ए इज सेम एज एडिशन ऑफ माइनस ऑफ बी इन वेक्टर ए। ठीक है, क्या कर सकते हो आप या तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो बी वेक्टर को ए वेक्टर में से, या फिर हम उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि हमने बी का जो माइनस वेक्टर था उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है ए वेक्टर में। ठीक है, देखो मान लो ये हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है ये कोई ए वेक्टर है और ये है मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे करना है इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो मेरे पास रिजल्टेंट अगर मुझे सम करना होता तो मैं सीधा सीधा कैसे कर देती, यहां से इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अब। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो या तो मैं ए माइनस बी निकालूं या फिर मैं क्या करूं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, ये मान लेती हूँ ओ, ये मान लू ए और ये मान लू बी, तो मैं ए बी को उतना ही बढ़ा लू, इसको इधर की साइड उतना ही बढ़ा लू जितना ए बी है, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ये जो वेक्टर मेरे पास आया ये क्या बना, माइनस ऑफ बी वेक्टर बन गया। अब जो ये रिजल्टेंट आएगा आपने इसको यहां से किया, तो ये जो आपके पास आएगा ए प्लस माइनस ऑफ बी, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। और ये जो वेक्टर बना, ये जो यहाँ पर ओ सी वेक्टर बना, ये ओ सी वेक्टर क्या दिखाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन दिखाएगा ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन दिखाएगा वेक्टर ए में से, आपने कैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, आप देखो अब मैं क्या करूं, मुझे क्या निकालना है, एनालिटिकल मेथड से निकालना है। तो हियर ओ सी रिप्रेजेंट्स, ये भी लिख लेना, हियर ओ सी रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है बी के सब्ट्रैक्शन को ए वेक्टर में से। क्लियर हो गया है ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब जब मुझे एनालिटिकल मेथड करना है, और ये और बी पॉइंट मत लो, इसको ले लो एन पॉइंट, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, कुछ ऐसे ले लो, क्योंकि ए भी तो तुम्हारे वेक्टर्स हैं, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद पॉइंट्स। अब मैं क्या करूं, इसको मुझे ये देखना है दोनों के बीच में एंगल कितना है ए और बी के। मैंने ये बात बता दिया थीटा, ए को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया, अब ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और उतनी लेंथ रखी है जितनी ओ पी पॉइंट की थी, ओ पी। ठीक है, इस पॉइंट को एन बता चुकी हूँ, क्यू बता चुकी हूँ, ये आर मान लो, तो जो पी आर है वो किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये ए वेक्टर ही है, मैंने इसको आगे डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे की साइड डिस्प्लेस कर दिया है, और वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना उसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर सकते हो। तो मैंने इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया है, ओ पी वेक्टर को पी आर वेक्टर बना दिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो क्यू एन है ये किसके बराबर है, क्यू क्यू एस के बराबर है। ठीक है, क्यू एन किसके, सॉरी सॉरी सॉरी, पी एन किसके बराबर है, पी एस के बराबर है या नहीं है। अब अगर आपसे ये पूछे कोई कि ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी,
क्योंकि हमारे पास जो एनालिटिकल मेथड था उसमें आर कैसे लिखते थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये थीटा क्या होता था यहाँ पर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें किसका रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट निकालना है वो किसका है, ए और माइनस बी का। तो हमें पता होना चाहिए ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है। तो अगर ए और बी के बीच में कितना है थीटा, इसको इस तरह से समझो, ये वाला वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी, ठीक है। अब मैंने इसको इधर कर दिया, ये है माइनस ऑफ बी, ओके, ये क्या है माइनस ऑफ बी। तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है या फिर कितना भी एंगल, इसको ऐसे बना लो, सबसे ऐसे बना लो, ठीक है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो बी और बी ये तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, क्योंकि हम एक ही लाइन में एंगल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्शन तो तभी सेम रहेगी। अगर ये लाइन थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर हम एंगल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आर लिख दो, आर क्या आ जाएगा, और वैसे ये आर किसके बराबर है, यहां से लिखेंगे आर बराबर ए प्लस माइनस ऑफ बी। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है, हो गया। अब अरे आर आर लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको डायरेक्शन और बतानी है तो डायरेक्शन ये तो इधर है, अब डायरेक्शन क्या होती है, फर्स्ट एंगल के साथ जो रिजल्टेंट ने वेक्टर बनाया, तो इसको मैं यहां से उठा के यहां पे डिस्प्लेस कर रही हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप किया है, और फिर बोलोगे ना समझ नहीं तुम्हारी पढ़ाई बहुत बुरी तरह होंगे, मैं पी यू बना दिया मैंने, ठीक है। और ये पी यू किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है। तो ये वाला एंगल पहला एंगल था, इसके साथ जो रिजल्टेंट ये आर जो वेक्टर बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा डायरेक्शन के लिए, तो टेन बीटा किसके बराबर आएगा, क्या होता था साइन थीटा, ऊपर यही होता था ना, साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब की बार थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन के लिए, और ये किसके पास, किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट के लिए। एनालिटिकल मेथड से इस तरह से आ जाएगा, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। अगर आपको एडिशन अच्छे से समझ आ चुका है और वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो, ये वेक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। अब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी तो आप जिसको भी लेकर जाओगे उसको एक ही सीधी लाइन पर लेकर जाओगे, ठीक है। अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं आप तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बना दिया ये माइनस ऑफ बी, ऊपर जा रहा था ना बी, नीचे हमने इसको माइनस ऑफ बी बना दिया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ओके। तो आई थिंक सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर एंड एडिशन ऑफ फैक्टर यू कैन डू वेरी वेल। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट मींस ए प्लस माइनस ऑफ बी ये किसके बराबर, बी प्लस माइनस ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ओके, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है, डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे यहीं पर देखो a प्लस माइनस ऑफ b की डायरेक्शन तो ये आई है, अब आपको b माइनस ऑफ a करना होता, तो b इधर है ना, b इधर की साइड है, अब ये तो हो गया b, इसमें आपको माइनस ऑफ a करना है, तो ये नहीं हो जाता आपका माइनस ऑफ a, अब ये माइनस ऑफ a हो जाता तो ये डायरेक्शन हो जाती b माइनस ऑफ a की, ठीक है, b प्लस माइनस ऑफ a की, क्योंकि ये माइनस ऑफ a है, a इधर की साइड था, a माइनस ऑफ a इधर, डायरेक्शन को ही तो चेंज करना होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रखना होता है। तो इसकी डायरेक्शन देखो, b प्लस माइनस ऑफ a की तो ये डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और a प्लस माइनस ऑफ b की नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह ही एसोसिएटिव भी नहीं होता है, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, दोनों लिख लेना,
a plus minus of c not equal to a plus b minus of c. ठीक है, a minus b plus of c. ठीक है, तो ये ना तो कम्यूटेटिव होता है बेटा, ना ही ये असोसिएटिव होता है. तो आप लोग ये चीजें याद रखना वेक्टर्स के लिए. अब देखो इसके साथ ही हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आप पहले तो एग्जांपल देख लो ना सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के, और इस अच्छे से समझ आएगा. एग्जांपल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स देखो. देखो भाई, फर्स्ट जो है हमारे पास, आपने सभी ने सुना होगा मोमेंटम, सुना है. तो जैसे ही कोई भी बॉल है वो दीवार से टकराई, दीवार से टकरा के उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो उसमें जो मोमेंटम रहता है वो तो क्या रहता है, सेम. तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो क्या रहता है, सेम. पी वन बराबर पी टू होता है पी के बराबर, जितना मोमेंटम उसका है वही. बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. बॉल गोइंग हियर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आप देखोगे यहां से P1 तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P, सॉरी प्लस ऑफ P, और P2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P. अगर आपको मोमेंटम में चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या आएगा हमारे पास, P1 माइनस माइनस ऑफ P2, मोमेंटम में चेंज आएगा, या फिर P1 माइनस P2. आपने ये कर दिया, मोमेंटम में चेंज आपको निकालना है. P1 की वैल्यू रखो क्या है, P. P2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ P. क्या बन जाएगा, P प्लस P, 2P. तो मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बराबर माइनस सॉरी 2P. ठीक है, अगर हम दूसरा डायरेक्शन से करते तो ये क्या आ जाता, माइनस ऑफ 2P. अब हमें सिर्फ क्या लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एट लास्ट फाइनली जब डायरेक्शन का जिक्र करेंगे तब हम ये पढ़ लेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की. ठीक है, बाद में जब हम फर्दर बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको मोमेंटम का चेंज बताना है, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव, तब हम देख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है. अच्छा आप लोग बताओ जल्दी से, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चला था और यहां पर पहुंच गया है, इसमें आपको वेलोसिटी में चेंज बताना है. एंड इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, v. यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v1 किसके बराबर होगी, v के. ठीक है, और v2 भी किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड, वो भी किसके बराबर होगा, v के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. दैट मींस जो वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड की वैल्यू गिवन है ना. अब आपको लिखना है वेलोसिटी के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, वेलोसिटी और लिखनी है कि v1 क्या आएगी और v2 क्या आएगी. यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी इधर, और यहां पर होगी ऊपर की तरफ. तो v2 को अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर आपने प्लस माना है, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. चेंज निकाल दो, v2 माइनस में v1 क्या आ जाएगा, v माइनस माइनस ऑफ v बराबर 2v. तो चेंज कितना चेंज हो जाता है वेलोसिटी में, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो अलोंग अ सर्कल, तो हाफ सर्कल जब वो कंप्लीट कर लेता है तब क्या हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी में, चेंज 2v चेंज हो जाता है. ठीक है, और अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो यहीं पर आ जाती फाइनली भी, दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाती, तो v ये भी v1 भी v हो जाती और v2 भी v. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या आ जाता, चेंज जीरो आ जाता. तो ये थे एग्जांपल्स. अब नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन में कैसे चेंज हुआ. ये देख ले, एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद वो इधर मुड़ गया, पहले नॉर्थ में था फिर ईस्ट में. ओके, आप लोगों को निकालनी है कि उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, उसका जो
मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगा आपको ये बताना है, और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा है मूव, कांस्टेंट स्पीड, और वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, v मूव है, v है, ठीक है। तो ये लिख लेना इससे पहले, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन इट टर्न्स ईस्टवर्ड्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड v, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, आपको रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले इधर गया उसके बाद इधर गया, ठीक है, तो दोनों में उसकी डायरेक्शंस क्या हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। अब आप क्या कर लो, इसको मान लो O, इसको N और इसको मान लो E, ठीक है। तो हमारे पास जो O N है उसके लिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, V, और N E के लिए भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा V, ठीक है, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड V हो गया है। अब हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v2 माइनस v1, चेंज निकाल दो आप v2 माइनस v1, ये हो जाएगी ना रिलेटिव वेलोसिटी, v1 v21 मतलब ईस्ट में जा रहा है तो उसके बाद v21, इसको आप v1 कह दो, ये v1 है ही, ये v2 है, चेंज निकालना है आपको, वो क्या आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 कब बनेगा, ये है आपके पास v1 और ये है आपके पास v2, आपको यहां पर शो करना है कि जो इस डायग्राम में है वो v2 माइनस v1 कैसे बनेगा। तो ये v1 है, इसको अगर मैं नीचे की तरफ बनाऊं तो सेम इसी लाइन पर नीचे की तरफ बनेगा और सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा, बनेगा या नहीं, देखो सेम मैग्नीट्यूड का बना दिया मैंने v1, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ v1 और ये क्या हो गया मेरे पास v2। अब v2 माइनस v1, ये पैरेललोग्राम ला से, पैरेललोग्राम को तो कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, वो तो क्या देता है, जो वेक्टर है उनका एडिशन, तो ये आ जाएगा और ये क्या बनेगा v2 प्लस माइनस ऑफ v1, ये रिजल्टेंट है। अब प्लस माइनस माइनस हो गए, दैट मींस ये क्या है v2 माइनस v1, तो जो रिजल्टेंट है वो कहां पर आया, इस डायरेक्शन में आया, तो यहां से जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, v2 माइनस v1। तो किस डायरेक्शन में आ गया आपके पास रिजल्टेंट, पहले ऑब्जेक्ट नॉर्थ में था फिर ईस्ट में मुड़ गया, तो अब जो हमारे पास आ गया वो किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैडम ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, ओके। तो ये आपके पास हो गया, हमारे पास सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट जब यहां से देखेगा तो उस पॉइंट से तो इसकी जो नीचे की साइड होगी वो साउथ होगी ना, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गए, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट ऊपर बनती यहां पर, तो ये किस में आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और उसके एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यही पढ़ने लग रहे हैं बस, रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना वो रिलेटिव वेलोसिटी पर ही बनते हैं मोस्ट ऑफ, जैसे कि कोई आदमी गया छाता लेकर, कल वो रेन वाला देखा था, अब इसी तरह और भी देख लेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, अभी अभी हमने क्या देखा, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, ठीक है। अब हम क्या कहें कि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, एक तो है VB और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है VA, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट A है वो वेलोसिटी VA के साथ मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है B वो वेलोसिटी VB के साथ मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है, थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही वेक्टर होता तो आप इजिली निकाल देते, एक ही अगर पार्टिकल होता तो उसका हम इजिली
निकाल सकते थे r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, एक का ही अगर कंपोनेंट होता तो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, प्लेन में। तो वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। इसका मतलब वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी होगा ना ये। अब देखो माइनस ऑफ वी बी को मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। तो मैंने यहां पर बना दिया माइनस ऑफ वी बी, ठीक है, माइनस ऑफ वी बी, ओके। और ये जो एंगल बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं क्या कह सकती हूं कि जो वी ए है ना, जो ए ऑब्जेक्ट है उस पर दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बोल दूं कि ए ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं और ऑब्जेक्ट बी किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ओ, इसको पी डैश और इसको एम, कुछ ऐसा नाम दे दूं, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ए है उस पर दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही है, किस तरह से एक्ट कर रही है। तो एक तो है वी ए वेलोसिटी जो कि ओ एन के अलोंग है और दूसरी है माइनस वी बी वेलोसिटी जो कि ओ पी डैस के अलोंग है। और मैंने बी को मान लिया किस पे, रेस्ट पे। जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि जो ये ऑब्जर्वर है इसको किस में मानना होता है, रेस्ट में। तो हमने बी को तो मान लिया रेस्ट पे कि ये रेस्ट पे ऑब्जर्व कर रहा है और ए पर क्या लग रहे हैं, दो वेलोसिटीज, ए पर ही दोनों का इफेक्ट हो रहा है। यही तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ए पर ही दोनों का इफेक्ट है। वो समझता है कि भाई मैं तो नहीं चल रहा हूं, तो उसकी स्पीड का भी और ए की स्पीड का भी, दोनों की स्पीड का वो देखता है कि उसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो यहीं पर देखना है उसने, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी का इफेक्ट हो रहा है, दूसरा माइनस ऑफ वी बी का इफेक्ट हो रहा है ए के ऊपर। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो निकाल दो, वी ए का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वी बी का स्क्वायर, तो ये वी बी का ही स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू वी ए वी बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास रिजल्टेंट। और ये क्या है, वी ए माइनस वी बी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, ठीक है। इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, अब ये तो पता चल गया ना तुम्हें, 180 डिग्री माइनस थीटा था, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। और ये किसके साथ एंगल बनाता है, फर्स्ट वेक्टर के साथ, इसके साथ एंगल बनाएगा टेन बीटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन बीटा बराबर बी, बी साइन ऑफ थीटा होता है ना, तो वी बी माइनस ऑफ साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में ए वी ए माइनस वी बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है। और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस जो पीछे भी हमने किया था ना उसमें भी बेटा करेक्शन कर लेना, वो जो वहां पर ये लिख दिया था ना हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसकी जगह आपको क्या करना है, यहां पर भी माइनस कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह उसमें टेन बीटा वाले में, यहां पर ऊपर तो माइनस बी कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये साइन है ना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बेटा यहां पर करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमने जो एंगल लिया है वो किसके साथ में लिया है, माइनस ऑफ बी के साथ में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो भाई आप देखो सीधी साफ बात क्या है कि तुम्हें उस फॉर्मूले में बी की जगह क्या रख देना है, माइनस बी, और थीटा की जगह क्या रख देना है, 180 डिग्री माइनस में थीटा रख देना है, ठीक है। आप कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एग्जांपल्स देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉट एस। तो क्या आ जाएगी, वी एस ई, कैसे आएगी, वी एस माइनस वी ई, ये हो जाएगी।
तो देखो ये हमारी अर्थ है, कैसे मूव करती है ये, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट। अगर सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये सैटेलाइट की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा वी एस माइनस ऑफ वी, रिलेशन वही लगा देना है फिर, वी एस का स्क्वायर प्लस वी ई का स्क्वायर माइनस ऑफ टू वी एस वी ई कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। बट अगर अर्थ तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अर्थ तो ऑलवेज करती इसी डायरेक्शन में है, और हमारी जो सैटेलाइट है वो इधर की साइड मूव कर रही है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ की डायरेक्शन के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा वी एस सी बराबर वी एस माइनस वी होता है ही। अब जो हमारी सैटेलाइट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सैटेलाइट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है अर्थ की डायरेक्शन के अपोजिट, तो वी एस को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो वी ई क्या आ जाएगी माइनस वी, तो वी की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस वी ई, वी एस माइनस माइनस ऑफ वी ई क्या हो जाएगा वी एस प्लस वी ई, बैक प्लस लगा लेना ये, बिकॉज वी आर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, अर्थ की लगा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे सैटेलाइट की, फॉर्मूला यही है, जब प्लस होता है तो सीधी साफ बात है प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर ये हमारा हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, इस पर कोई ट्रेन मूव कर रही है, और ट्रेन भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट में, अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट में कर रही है, और हमें निकालनी है ट्रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ वी टी ई, तो क्या आ जाएगा वी टी माइनस में वी ई। और अगर ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी हो, ओनली ट्रेन की, आपको ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, और ये जो वी ई है ना, ये वेलोसिटी किसकी है, वी ई इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पर कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है तो उतनी होगी जितनी अर्थ की है, ठीक है। तो ये हो गया वी टी माइनस वी ई, अगर आपको ये गिवन हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ और वेलोसिटी ऑफ अर्थ गिवन हो, तो कैसे आ जाएगी वी टी ई प्लस वी ई, कर सकते हैं ये, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ट्रेन भी कहां से कहां पर मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, और हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला होगा। बट अगर ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन की डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट है, उस टाइम पे निकालो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी वी टी माइनस माइनस ऑफ वी, क्योंकि यहाँ पर उस पॉइंट की या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो आप देखो यहां पर रखा तो ये क्या बन गया वी टी प्लस ऑफ वी, इस केस में अगर आपको ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगी वी टी ई माइनस ऑफ वी ई, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं भाई, आई थिंक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो फिर, और आज थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा दें क्योंकि पीछे वाले लेक्चर्स में तुम्हें बहुत अच्छे से पूरा ब्रीफ में, आज तो हमने सिर्फ पीछे वाले लेक्चर्स का यूज किया है, कि ये एनालिटिकल मेथड था हमारा, हमने इस तरह से निकाला था और हमने फिर उनके रिजल्ट्स का यूज कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पास टॉपिक है वो हम करेंगे, इसको पहले पोलियो पिला देती हूँ मैं दो ड्रॉप, वरना ये नाराज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, वहां से आपसे छाता पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में कि किस डायरेक्शन में छाता होना चाहिए, तो कल वो हम कर चुके हैं, और वेलोसिटी ऑफ वाटर कर चुके हैं, ठीक है, बोट और वाटर वो सब कर चुके हैं हम। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट वो क्या करेंगे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, कल थोड़ा सा तो किया भी था ना नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के बारे में, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर जब हमने लैमिस थ्योरम देखी थी उस टाइम पे किया था। हाँ, लैमिस थ्योरम और साइन लॉ, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सेम है, दैट आर नॉट सेम, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। नल वेक्टर,
अब नल वेक्टर की कल मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई, तुम बताओ जल्दी करो क्या होती है वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे। उसकी डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है। एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहो तो क्या होगी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के साथ अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्या वहां पर एक्सीलरेशन होगा? नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो होता है हमें पता है। तो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई वी विल से दिस जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर कहेंगे। और उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, ठीक है। सिंपली एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्या उसकी कुछ वेलोसिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो उसका जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। डायरेक्शन आप कहीं पर भी मान लो। और क्या हो सकता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल। मतलब आपने पहले 8 बजे देखा वो ऑब्जेक्ट वही था, 8:30 बजे देखा ऑब्जेक्ट वही है, 9 बजे देखा ऑब्जेक्ट वही है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना है? जीरो है। चाहे वो ऑब्जेक्ट उस 8 से 8:30 के बीच में चाहे इतना घूमकर आ गया हो फिर से इसी पोजीशन पर, बट हमारे लिए तो क्या है, उसी पोजीशन पर है, उसकी इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास सारे जीरो वेक्टर्स। अब जीरो वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो या फिर नल वेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्या है, अगर आप इसको किसी भी वेक्टर के साथ, इफ ए इज एनी वेक्टर, ए इज एनी वेक्टर, देन जीरो इंटू ए बराबर जीरो वेक्टर इंटू ए, वेक्टर लगा लो इससे क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, ठीक है। सेकंड, एडिशन ऑफ जीरो वेक्टर टू एनी वेक्टर गिव्स द जीरो वेक्टर अगेन, गिव्स द सेम वेक्टर, सेम वेक्टर, सेम वेक्टर, सेम वेक्टर। जीरो प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ठीक है। तो आप जीरो वेक्टर को किसी में ऐड करोगे तो आपको सेम वेक्टर मिलेगा, साथ साथ में अगर आप जीरो वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या दे देगा? जीरो वेक्टर दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर विच इज एडेड टू टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर, अगर आप किसी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करोगे देन इज जीरो, तो वो कितना आएगा? जीरो वेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस ऑफ ए बराबर जीरो वेक्टर। तो ये थी हमारे पास जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज थी कुछ एक, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि अगर आप जीरो वेक्टर को किसी भी किसी में से भी घटाओगे तो भी आपके पास क्या आएगा? अगेन सेम वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है। ऐड करोगे तो भी सेम वेक्टर आएगा, और अगर जीरो में से किसी वेक्टर को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास n कोई इंटीजर है, n इज एनी स्केलर, इफ n इज एनी स्केलर
n is n scalar, then n into 0 बराबर 0. Then या फिर लिख लो पहले तो its multiplication with 0 vector. Zero vector gives zero vector. Gives zero vector. ठीक है. Next है if n1 and n2 are different and na n1a is equal to n2a and n2b. It is possible only कब होगा भाई जब a और b दोनों ही क्या हो a and b are zero vector दोनों ही क्या हो आपके पास zero vector हो सिर्फ तभी ये आपके पास possible होगा otherwise possible नहीं होगा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर n1 and r different numbers दोनों क्या हैं बिल्कुल ही different number हैं तो अगर आप कोई same vector भी है उसको भी अगर आप multiply करोगे किसी different number से तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे different numbers आ जाएंगे तो ये सारे आपके पास properties थी zero vector की next हम जो करेंगे वो करेंगे component of vectors यहाँ तक आपकी notebook बिल्कुल complete होनी चाहिए जल्दी ही check की जाएगी